दे दे कुर्सी दीपिका। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और भले चंगे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित और अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। और आज है संडे। ब्लॉग तो मैं सुबह से ही शुरू कर दी थी, सुबह कुछ भी नहीं बना था, जो रात में खिचड़ी बची थी तो खिचड़ी का पराठा बनाई थी मैं, थोड़ा सा उसमें आटा डाल करके चाय या पराठा और सॉस, वही हम लोग खाए थे। और आज संडे है और मंडे को है जन्माष्टमी, तो मतलब जिस दिन व्रत रखना होता है तो उसके एक दिन पहले हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं हम लोग, मतलब कि उस दिन बोलते हैं कि नहाए खाए, मतलब नहा करके खाना खाते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आज मैं अभी जा रही हूँ, शाम हो गया है, 7:30 बज गए हैं, 7:30 ना, 7:15 हो रहा है, सॉरी 7:15 हो रहा है। तो सब लोगों का फैसला हो चुका है कि पूरी सब्जी और कुछ मीठा बनेगा, तो सबसे पहले मैं आटा ही लगा करके रख दे रही हूँ। आलू उबालने के लिए रख दी थी तो आटा तैयार करके रख दे रही हूँ, ताकि आटा थोड़ा सा फूल जाएगा तो पूड़ियाँ अच्छी बनती है। इसीलिए आलू उबलने के लिए रखा हुआ है कुकर में, एक सीटी लग चुका है, 2-3 सीटी और लग जाएगा, तो बनने जा रहा है आलू और टमाटर की सब्जी और पूड़ी। और एक चीज और बना रही हूँ जो कि आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे बनाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इनको जानते हैं। ये देखिए, ये मैदे का बना हुआ है घर का, देखिए कितना बारीक बारीक बना हुआ है। और ये मेरी मम्मी बना करके दी थी गांव पर से, पहले मैं भी बनाती थी खूब शादी से पहले, अब नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा कि ये कैसे बनता है तो मैं इसका भी वीडियो बना करके जरूर शेयर करूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखिए कितना बारीक बना हुआ है, मैदे का बना हुआ है, ऐसे आटा सा भी बनता है और मैं इससे ज्यादा बारीक बनाती हूँ, अगर आप लोग बताइएगा तो जरूर मैं बना करके दिखाऊंगी। और ये खाने में काफी टेस्टी लगता है, जिस तरीके से सेवई का खीर बनाते हैं ना हम लोग, ओह कैमरा फोक, जिस तरीके से सेवई का खीर बनाते हैं उसी तरीके से बनता है। पहले हम इसको घी में फ्राई करेंगे और उसके बाद बनाएंगे दूध में, तो अभी मैं इसी की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। काफी दिनों से रखा हुआ था, मैं सोची थी किसी खास अवसर पे ही बनाऊंगी, तो आज और अब सब उसके बाद फिर मैं सबसे पहले सब्जी बना करके तैयार कर लूंगी, क्योंकि सब्जी बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और पूड़ियां तो फिर गरम गरम ही निकालिए और खाइए, तभी मजा आता है। तो सरसों के तेल में जीरा और 2 चुटकी हींग, हींग जरूर डालिएगा इस सब्जी में, जब भी हम आलू और टमाटर की खास करके जब सब्जी बनाते हैं हींग थोड़ा सा जरूर डालें, उससे स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैं ली हूँ, जिसका छिलका उतार करके उसको कद्दूकस जो बारीक वाला होता है उसी में कस करके मैं डाली हूँ, काट करके बारीक नहीं डाली है। या पेस्ट भी बना करके, या तो आप कद्दूकस करके डाल दीजिए, नहीं तो फिर पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा, इससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और उसके बाद टमाटर डाल करके और कुछ सेकंड के लिए टमाटर को भून लेना है, और उसके बाद टमाटर जैसे ही थोड़ा सा भून जाए तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे सब्जी में, सॉरी टमाटर में। और फिर जो हमारे पास सिंपल से मसाले होते हैं, 2 चम्मच धनिए का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा इस सब्जी में, तो 2-2.25 चम्मच तक मैं धनिए का पाउडर डाली हूँ, और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और फिर 1/2 चम्मच ही लाल जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाली हूँ, ताकि सब्जी में अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ा, मतलब 1 चम्मच कसूरी मेथी तो डालेंगे ही ज़रूर, कसूरी मेथी भी इसमें डालना ज़रूरी होता है, 1 तो कसूरी मेथी और 2 हींग, 2 चीज़ इस सब्जी की जान होती है, तो ज़रूर ही डालें आप। और देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है, और आलू उबाल करके जो रखा हुआ है तो उसको मैं थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बारीक करके हाथ से ही दबा दे रही हूँ, उसके बाद डाल दूँगी कढ़ाई में। और कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, छोटी वाली ही कढ़ाई है, इसमें तो मैं अधिकतर फ्राई ही करती हूँ, सब्जी वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो इस कढ़ाई में ना तेल था, बच्चे 1 दिन पहले चिप्स तले थे रात में थोड़ा सा, तो मैं ढक करके रख दी थी वैसे ही कि फिर इसमें कुछ बना दूँगी, तो इसी में मैं सब्जी बना दे रही हूँ कि थोड़ा सा ही सब्जी बनाना है, और जैसे ही पानी डाल दूँगी उसके बाद सब्जी को पलट दूँगी। और ये वाली सब्जी पूड़ी के साथ खाने में, वैसे मैं क्या बताऊँ, आप ज़रूर एक बार बना करके ट्राई कीजिए, बस मैं यही बोलूँगी, तभी आपको पता चलेगा कि सब्जी कितना अच्छा लगता है।
और फिर घर का सिलबट्टे पे पिसा हुआ गरम मसाला मैं डाल दे रही हूँ। मैं जल्द ही होममेड गरम मसाला लेकर के आऊँगी, उसका भी वीडियो तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का और भी वीडियो रेसिपी ब्लॉग देखने के लिए। और सब्जी बनकर तैयार हो गया है, तो दूसरी कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ देसी घी और उसमें थोड़ा सा काजू डाल करके उसको भून लेना है। एकदम धीमे आँच पर ही काजू को भी भूनेंगे और धीमे आँच पे ही ये जो सेवई बनाया हुआ है, जो घर का बना हुआ है, जिसको जवे भी बोलते हैं कुछ लोग, और मैं अपने लोकल भाषा की बात करती हूँ, हमारे बिहार में इसको पिट्ठी बोलते हैं। तो पिट्ठी गढ़ के रखना, इसको बोलते हैं कि पिट्ठी गढ़ के रख दो डब्बे में भर करके। और देखिए धीमे आँच पे ही इसको भूनना है और देखिए इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है, जिस तरीके से हम सूजी भूनते हैं ना लाल करके। और ये देखिए एकदम अच्छे से भून करके भी तैयार हो गया है। और इधर मैं भगोने में दूध भी चढ़ा दी हूँ, तो दूध में मैं डाल दी हूँ जो पिट्ठी भून करके रखा हुआ था वो। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम गर्म ही भूने और इसको डाल दें, थोड़ा देर पहले भी भून करके रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। मेरे पास टाइम कम था तो इसीलिए मैं उस कढ़ाई से तुरंत ही इधर दूध खौला कर रखी थी और डाल दी, और उसके बाद ही डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार चीनी इसमें, और फिर जो काजू मैं फ्राई करके रखी थी घी में वो, और दो इलायची, हरी इलायची है उसको भी मैं तोड़ करके उसका बीज डाल दूँगी, छिलका भी मैं डाल दे रही हूँ। इलायची से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, और आप चाहें तो अपने पसंद का और भी इसमें मेवे डाल सकते हैं, जैसे मखाने, गोला, छुहाड़ा, किशमिश, मुनक्का, जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। मेरे यहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डालने के बाद बच्चे निकाल करके खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और उसके बाद अभी पिट्ठी भी बनकर तैयार हो गई है और सब्जी भी बन गई थी, तो सब्जी को मैं दूसरे भगोने में पलट करके और इसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ गर्मा गर्म खाने के लिए। पूड़ियाँ तैयार हो जाएगा, और पूड़ियाँ सारा दीपिका बेली थी, सूरज लोई बनाया था और दीपिका बेली थी। इसको पूड़ियाँ बेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ तो यही बेलती है, और बेलने के बाद फिर बार बार पूछेगी मम्मी पूड़ी फूला कि नहीं फूला। तो पूड़ी फूलने का तो बस एक ही सीक्रेट है कि थोड़ा सा पूड़ी को आप मोटा रखें, जैसे कि ज़्यादा पतला ना करें, और बेलते समय और आटा गूंद करके आधे घंटे पहले ढक करके उसको ज़रूर रख दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। चाहे रोटी बनाए, पूड़ी पराठा, कुछ भी बनाए, आटा आधे घंटे पहले ज़रूर ही गूंद करके और ढक कर रखें। इसे काफ़ी सॉफ्ट भी बनती है और फूली फूली बन के तैयार होती है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखें, और पूड़ी तलते समय मेन जो चीज़ है वो है कि तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, मतलब खूब हाई फ्लेम पे तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब उसमें से एकदम गर्म गर्म धुआँ निकलने लगे तब पूड़ी को आप फ्राई करें, तभी पूड़ी फूल करके तैयार होंगी। देखिए महारानी जी को, ये कौन पूड़ी बेले का तरीका है भाई? अच्छा और अब मैं आपको अपना सब्जी दिखा देती हूँ। अब खाना लगने की समय आ गया है, मतलब सब लोग खाएंगे, और सब्जी में बेसन भी नहीं पड़ा हुआ है, जैसे ग्रेवी के लिए बेसन डालते हैं ना कुछ लोग, बेसन उसन कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इतना गाढ़ा अच्छा सब्जी का कलर आया है, और गाढ़ा भी काफ़ी अच्छा है। और ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि मेरे घर में बड़े बच्चों सबका फेवरेट हो गया है। और ये देखिए दीपिका पूड़ी बेले और अपने लिए गोलगप्पा ना बनाए, छोटे छोटे पूड़ियाँ बनाती हैं और वो ही खाती है जब भी पूड़ी बेलती है। तो मैं तो बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इंजॉय किए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक